सभी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नए साल से बंद हो गए हैं। ऐसे में अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहक हैं और आपने भी नया कार्ड लिया है तो आपको अपना नया ATM कार्ड एक्टिवेट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कार्ड को घर बैठे एक्टिवेट कर सकते हैं। SBI ने अपने ग्राहकों को कार्ड ऑनलाइन एक्टिवेट करने की खास सुविधा दी है। इसके लिए ग्राहक के पास SBI नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसकी प्रोसेस। ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपना नया ATM कार्ड। ग्राहक को सबसे बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से www.onlinesbi.com पर जाना होगा। वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद ए सर्विसेज सेक्शन के अंदर ATM कार्ड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यहां एक नया सेक्शन खुलेगा। यहां आप किस खाते के लिए ATM कार्ड जारी किया गया है उसका चयन करें। यहां अपना 16 अंकों वाला ATM कार्ड नंबर डालकर एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक करें। खाते का प्रकार और ब्रांच का लोकेशन जैसे कुछ डिटेल वेरीफाई करें। फिर कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भेजेगा। इस पासवर्ड को भरने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा कि आपका ATM कार्ड सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नए चिप वाले कार्ड ज्यादा सुरक्षित। सभी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नए साल से बंद हो गए हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड से आपके बैंक का डेटा चोरी होने का खतरा होता था। चिप वाले कार्ड से इन्हें रिप्लेस किया गया है। RBI ने 2016 में बैंकों को आदेश दिया था कि ग्राहकों के साधारण मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को चिप वाले कार्ड से रिप्लेस किया जाए। यह कदम ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सिक्योर रखने के लिए यह कदम उठा गया है।